अरे कहाँ मिली, मैं भी परेशान हो रही हूँ। मैंने गार्ड भी ऐसे भी कही थी, कह तो रहे थे कि आज भेज दूंगा। चल मैं बाद में बात करती हूँ, कोई आया है। हाँ कौन? नमस्ते दीदी। आओ अंदर आओ। दीदी वो आपने काम वाली के लिए बोला होगा ना, मुझे श्यामू काके ने भेजा है। अच्छा, आओ बैठो। अरे नीचे क्यों बैठ रहे हो, ऊपर बैठो, जी आराम से सोफे पे बैठ जाओ। ठीक है दीदी। मैं चाय बनाने जा रही थी, चाय पियोगी? दीदी पी लूंगी। ठीक है बैठो तुम। अरे नहीं, ये तो मेरी है, तू कप वाली ले ले। क्या हुआ, तू भी मेरी तरह गिलास में पीती है क्या? गिलास में ले आऊं? नहीं दीदी वो बात नहीं है, दरअसल जहाँ मैं पहले काम करती थी ना, वहाँ पर या तो मुझे किसी टूटे फूटे कप में चाय दी जाती थी या किसी पुराने गिलास में। आपने ऐसे कप में दी तो। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम्हारे हाथ लगाने से क्या बर्तन खराब हो जाएंगे? और जब तुम बर्तन साफ करोगी तब क्या तुम्हारे हाथ नहीं लगेंगे? ये बात दीदी हर कोई समझ नहीं पाता ना। पता है जहाँ मैं पहले काम करती थी उनके यहाँ एक बार मैंने उनके कप में चाय पी ली, तो उन्होंने पहले मुझे थप्पड़ मारा, फिर इतना सुनाया कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर उसी कप को जिसमें मैंने चाय पी थी उसको डस्टबिन में फेंक दिया। हे भगवान, देखो मेरी सोच ऐसी नहीं है, तुम यहाँ पर आराम से दिल लगा के काम करना। मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। दीदी मेरा नाम रेनू है। अच्छा रेनू, ये बताओ कितने पैसे लोगी? देखो घर का सारा काम है, सब तुम्हें ही करना है। दीदी आप तो मुझे जितने पैसे दोगे ना मैं उसी में काम कर लूँगी। पता नहीं क्यों आपके यहाँ आके कुछ अपनापन सा लगा। अच्छा मैं घर के पूरे काम के अगर 2,000 बोलूंगी तो 2,000 ही ले लेगी? हाँ दीदी। अच्छा ये बता, जहाँ पहले काम करती थी वहाँ कितने लेती थी? दीदी वहाँ तो मैं सारे काम के 5,000 रुपये लेती थी। ठीक है मैं भी तुझे 5,000 रुपये दूंगी, लेकिन काम अच्छे से करना, और ऐसा करना कल से आ जाना। ठीक है दीदी मैं कल से आ जाऊँगी। ठीक है तो तुम कल सुबह 9:30 बजे आ जाना, ठीक टाइम पर, लेट मत करना। ठीक है दीदी मैं ठीक 9:30 बजे पहुँच जाऊँगी। अरे तुम्हारी चाय तो ठंडी हो गई, चाय पी लो पहले। कोई बात नहीं दीदी मैं पी लेती हूँ। लोग घर तो बड़े बना लेते हैं पर अक्सर उनके दिल छोटे होते चले जाते हैं। सम्मान हर कोई चाहता है, चाहे